तो टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेंज हमेशा किस एक्सिस पे होती है? एक्स पे। हॉरिजॉन्टल इससे बोलते हैं, रेंज वर्टिकल में होती नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, डायग्राम यही रहेगा। तो ये आपके सामने एक प्रोजेक्टाइल है और ये क्या है इसकी रेंज, ये निकालना है। तो ये बताओ कि रेंज में एक्सिस क्या लगेगा, एक्स की वाई, एक्स लगेगा और इक्वेशन एक्स में क्या लगेगी, एस इज इक्वल टू वी टी। तो वेलोसिटी की वैल्यू हॉरिजॉन्टल में क्या है, वी कॉस थीट। डिस्टेंस ट्रेवल एक्स एक्सिस में कितना है टोटल, आर। और यहां से यहां कितना समय लेगी बॉडी आने में, टाइम ऑफ फ्लाइट, टी वन प्लस टी टू। तो रेंज में आप एक काम करेंगे, रेंज के अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी कांस्टेंट वी कॉस थीटा, आप इक्वेशन अप्लाई करें एस इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस में क्या पुट करेंगे आर, वेलोसिटी में वी कॉस थीटा इनटू कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल टी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना, टू वी साइन थीटा बाई जी। तो टू को आगे रख लिया, वी इंटू वी वी स्क्वायर है, इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो टू साइन थीटा कॉस थीटा को मैथ्स में लिखा जाता है साइन ऑफ टू थीटा, याद रखना है, साइन ऑफ टू थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो फॉर्मूला नोट करने बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेंज का फॉर्मूला रजिस्टर में, रेंज का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर थीटा 45 डिग्री है तो साइन ऑफ 2 इंटू 45 यहां पर 90 हो जाएगा। तो क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो ये रेंज की वैल्यू आ गई।